यूपी की राजधानी लखनऊ में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे महंगी सब्जी खरीदारों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं दुकानों से खरीदार गायब नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में टमाटर 120 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि अदरक 230 रुपए किलो। इसी तरह दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस साल टमाटर की कम पैदावार हुई है, ऐसे में बेंगलुरु से उत्तर प्रदेश में टमाटर मंगाया जा रहा है। सब्जी भी खाने लगी भाव, और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई है, महंगाई को लेकर लगातार अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जी की ये देख सकते हैं कि सब्जी की मार्केट है, और सब्जी की मार्केट में तरह तरह की सब्जियां हैं। अगर इन सब्जियों के बीच बात किया जाए तो इस समय लगातार सब्जी को लेकर लगातार बात चल रही कि महंगा सामान मिल रहा है, आखिर महंगी सब्जी बिक रही, जिसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं लोग, काफ़ी परेशान हैं। अगर हम टमाटर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए टमाटर भी रखा हुआ है, और इस टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो टमाटर की लगातार बात करें तो टमाटर 90 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक की ये टमाटर बिक रहा है। हालांकि जिस तरीके से टमाटर की बात की जा रही तो माना ये भी जा रहा है कि जो टमाटर की इस बार जो पैदावार थी वो कहीं ना कहीं कम थी, जिसको लेकर लगातार महंगा सामान इस समय बिकता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे हम अदरक की बात करें, चाहे हम धनिया की बात करें, चाहे हम परवल की बात करें, सभी सामान महंगे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बैंगन रखा हुआ है, अगर हम बैंगन की बात करें तो बैंगन भी जो पहले के रेट से अब दुगने रेटों में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि रोज़ाना की सामग्री में अगर बात करें, धनिया, अदरक और क्या बोलते हैं आपको मिर्चा, इन चीज़ों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दाम आसमान को छू रहे हैं, और जिसके कारण लगातार महंगाई बढ़ रही, महंगाई को लेकर बात चल रही। हालांकि टमाटर की बात कर रहे हैं तो टमाटर लगातार उत्पत्ति की वजह से कम है, और इसको बताया जा रहा है कि बंगलौर से आ रहा है, जिसकी वजह से ये महंगा बिक रहा है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। ये बताओ कि जो महंगाई चल रही है और महंगाई को लेकर किस तरीके की दुकानदारी है आप? इसमें दुकानदारी सर नहीं है, दुकानदारी आधी बची है सर। इसकी वजह से टमाटर वमाटर महंगा है, इसी की वजह सब सब्जियाँ महंगी हो रही हैं, और इसीलिए सन्नाटा ज़्यादा चल रहा है। पहले की और आपके बिक्री में कितना अंतर है? बहुत अंतर है, पहले जैसे 10,000 की होती थी तो अब 5,000 नहीं हो रही है। अभी आपने देखा और बात किया गया, जिस तरीके से बताया दुकानदार ने कि जिस तरीके की बिक्री होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं बिक्री नज़र नहीं आ रही। अब हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं, और देखिए सब्जी मंडी में यहाँ पर लगातार सब्जी मंडी में भीड़ रहती है, काफ़ी लोग आते हैं, महंगाई को लेकर किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? बहुत सन्नाटा है, देख लीजिए कोई कस्टमर नहीं मंडी में, सब दुकानदारी हैं। सब्जी को रेट जो बढ़ रहे हैं आसमान को लेकर, इसको लेकर किस तरीके से क्या उम्मीदें लग रही हैं आने वाले समय में, कितना ठीक होगा? देखो मौसम सही होगा तो मौसम को जब गड़बड़ा गया सब। टमाटर की बात करें, टमाटर बहुत महंगा। सब्जी को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके की बिक्री और क्यों लोग कस्टमर नहीं आ रहे हैं? कस्टमर एक तो यहाँ पीछे कूड़ा घर बना, इसकी बदबू वजह से आ ही नहीं रहा, हमको लोग को बैठने में भी दिक्कत हो रही। और दुकानदारी एकदम जीरो हो गए, कस्टमर आ ही नहीं रहा यही से। देखिए एक अभी तक अहम सवाल था इस सब्जी मंडी की महंगाई को लेकर, महंगाई की हम बात कर रहे थे, और महंगाई के साथ साथ अभी जिस तरीके से बात किया गया और उनका साफ कहना कि पीछे कूड़ा घर है, जिसकी वजह से भी इन लोगों को दूषित होना पड़ता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा। अब हालांकि आने वाले समय मौसम सही होता है तो फिर किस तरीके से महंगाई पर रोक लगेगी ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण चौधरी के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ।